बेटा यूनिट 5 का टॉपिक है आपका कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या है? इफ एफ डैश इज एनालिटिक फंक्शन, एफ डैश इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डैश अलोंग सी इज इक्वल टू 0। इसे ये पढ़ते हैं बेटा, ये लाइन इंटीगल है, ठीक है। लाइन इंटीगल ऑफ एफ डैश अलोंग सी इज इक्वल टू 0। अगर एफ डैश एनालिटिक है, एफ डैश कंटीन्यूअस है एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, तो एफ डैश डी डैश अलोंग सी 0 होता है। ये स्टेटमेंट है इसका, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर। सर रिपीट कर देना एक बार। बेटा जो लिखा है वही पढ़ाया मैंने, एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, इसे पढ़ते हैं लाइन इंटीगल। ये लाइन इंटीगल है ऑफ एफ जेड अलोंग सी इज इक्वल टू 0। जी सर जी। अक्सर वाला अगर एनालिटिक है और एफ जेड कंटिन्यूअस है एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, लाइन इंटीगल ऑफ एफ जेड अलोंग सी इज इक्वल टू 0। इसका प्रूफ दे हो जाएगा, इसकी एलएचएस ले, लाइन इंटीगल ऑफ एफ डैश अलोंग सी इज इक्वल टू। अच्छा एफ डैश जानते हो किसके इक्वल होता है? क्यों क्यू प्लस आई वी, प्लस आई वी पुरानी यूनिट से पढ़े हो यूनिट फोर्थ में। यस सर। और डी जेड क्या होता है? डी एक्स प्लस आई वी भाई, भाई जेड हमारा है एक्स प्लस आई वाई, dz बराबर कितना हो जाएगा? dx प्लस idy। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, fz की वैल्यू लगा दी और dz की वैल्यू लगा दी, सही है बेटा? यस सर। यहाँ तक समझ आया? अब मैं जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यू का डी एक्स में यू डी एक्स, आई बी का आई डी वाई में आई स्क्वायर होता है माइनस वन बी डी वाई हो जाएगा, प्लस आई कॉमन आ गया बी डी एक्स, यू का आई डी वाई में करोगे आई कॉमन आ जाएगा बाहर यू डी वाई। ये रियल इमेजिनरी अलग अलग कर लीजिए, इक्वेशन नंबर वन डाल दिया। इक्वेशन नंबर वन समझ आया आपके? यस सर। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रीन थ्योरम हुआ करती थी, आपको पढ़ाई गई होगी। नो यस सर, आपको ध्यान होगा। जी सर, यस सर। लास्ट चैप्टर था ये बेटा, सर लास्ट चैप्टर में थी ये। हाँ लास्ट यूनिट 5 में थी। लाइन इंटीगल ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y dx dy। इसमें याद रखने वाली बात ये है, जो dy के साथ है m उसका x के रेस्पेक्ट में, और जो dx के साथ है m उसका y के रेस्पेक्ट में। पहले x वाला लिखो फिर y वाला लिखो, डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y इक्वल टू dx dy, बताओ। ये थ्योरम लगाएंगे हम इक्वेशन नंबर वन में, क्यों इक्वेशन नंबर वन में ये थ्योरम लगा दें? देखो क्या बताया था, डी वाई के साथ है उसका किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। डी वाई के साथ क्या है यहाँ पे? वी एन एस पी है।
बी नहीं है, माइनस बी है। यस सर, माइनस बी। माइनस क्यों छोड़ देते हो आप लोग? डीवाई के साथ माइनस बी है, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस डेल बी दे रहे हैं। फिर माइनस डी एक्स के साथ क्या है बेटा? यू। यू का वाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स डी वाई, इसमें लग गया। प्लस आई, इसमें लगाओ। डीवाई के साथ क्या है? डीवाई के साथ क्या है? यू। यू इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे। डी एक्स के साथ में क्या है? वी। वी का वाई के रेस्पेक्ट में ग्रीन थ्योरम लगा लोगे? ग्रीन थ्योरम लगा लोगे? यस सर, लगा लेंगे। अब यहाँ एक बात देखो, हमारे स्टेटमेंट में था एफजेड एनालिटिक है। अच्छा, अगर एफजेड एनालिटिक होता है कौन सी कंडीशन होती है? बताया था मैंने आपको एफजेड एनालिटिक होता है तो कौन सी कंडीशन होती है? तो भाई सीआर से बोलो, बोलो जोर से बोलो, बताओ। एफजेड एनालिटिक होता है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है? हाँ सर, बोल तो दिया। तो ब्रो एफजेड अगर एनालिटिक है तो सीआर सेटिस्फाई होगी, ठीक है? तो सीआर इक्वेशन क्या होती है आपकी? डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डेल वाई, डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स। तो देखो माइनस डेल वी डेल एक्स की जगह यहां डेल यू डेल वाई लगा सकता हूं, लगा दिया मैंने। माइनस डेल वी डेल एक्स की जगह डेल यू डेल वाई और डेल यू डेल वाई, ये जैसे ही रख दो। इसी तरह से यहाँ पे इस डेल यू डेल एक्स को ऐसी रख दिया, डेल वी डेल वाई की जगह क्या लगा सकता हूँ? डेल यू डेल एक्स, बात समझे? सीआर इक्वेशन यहाँ अप्लाई कर दी मैंने, माइनस डेल वी डेल एक्स की जगह डेल यू डेल वाई लगा दिया, डेल वी डेल वाई की जगह डेल यू डेल एक्स लगा दिया, कट गए डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई प्लस माइनस के जीरो आ गए। यही प्रूव करना था मुझे, पहुंची इंटीग्रल थ्योरम में। बताओ यस सर, हैं बताओ बेटा। आओ समझ आई बात? यस सर, आ गई। यस सर, कोची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ समझ आया? कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर एफजेड एनालिटिक है एंड एफजेड इज कंटीन्यूअस है एट ईच पॉइंट इन ए ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, तो लाइन इंटीगल ऑफ एफजेड अलोंग सी इज इक्वल टू 0 होता है, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, रिमार्क है यहां पे, दो रिमार्क है, जरा देखो ध्यान से। एक बात बताओ बेटा, आप लोग पॉइंट्स ड्रॉ करते आए हो इस तरह का, ये प्लेन होता है ना, ये एक्स ये वाई, इस प्लेन को कौन सा प्लेन कहते हो? एक्स वाई प्लेन कहते हो? यस सर, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन कहते हो या कहते हो जेड प्लेन? क्यों बेटा, इसे क्या कहते हो? एक्स वाई प्लेन और जेड प्लेन। जेड प्लेन, इस प्लेन से आप क्लास सिक्स से फैमिलियर हो हैं?
ग्राफ पेपर पे आप जब पॉइंट ड्रॉ करते थे तो इसी प्लेन पे तो करते थे हैं? यस सर। हाँ, जैसे ग्राफ पेपर पे आपने पॉइंट ड्रॉ किया 2.3, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी 2+3i, ठीक है। सपोज हमारे पास ग्राफ पेपर पे कोई पॉइंट आपने ड्रॉ किया 0.1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी 0+i(1). कोई पॉइंट है मेरा 1.0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? बताओ। 1। क्या बोलो? 1+i(0)? 1+i। अब कहो 1, 0.1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? 0+i(1). 0+i(1), या कह सकते हो i। ओके? यस सर। बात समझे आप? यस सर। हाँ, इसी तरीके से इसका बायस वर्सा, अगर मैं उल्टा कहूँ आपसे, पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर निकलवाया है मैंने आपसे, अगर मैं कहूँ 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी होगी, आप कहोगे 5+i(0), या मैं कहूँ, हेलो, यस सर, यस सर, हाँ, अगर मैं कहूँ 1, अगर मैं कहूँ 1 और -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी होगी, क्या बताएंगे? 1-2i। वेरी गुड, 1-2i। पहले को ऐसे लिख दो, दूसरे भाई का गुणा करके जोड़ दो, ठीक है बेटा? यस सर। इसी का उल्टा भी हम कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ, ये तो पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट लेना चाहूँ, अगर मैं कहूँ 2+3i, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे? 2.3। वेरी गुड, 2.3। अगर मैं कहूँ 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा? 5.0। भाई 5 को ऐसे 5.0 5+i(0), तो 5.0 हो गया। अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5i, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा? 0.5। वेरी गुड, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये पूरी यूनिट में काम आएगी बेटा, ये समझ गया अच्छे से? यस सर। अब पढ़ो रिमार्क 1 क्या कह रहा है। रिमार्क 1 आपका कह रहा है, इन जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन करेस्पॉन्डिंग टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर के करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा x, y। जी बेटा, बताया मैंने x+i(y) के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए? x, y। एंड फॉर ईच पॉइंट x, y, देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर x+i(y). इसका उल्टा भी कर दो, अगर आपके पास पॉइंट है x, y और कॉम्प्लेक्स नंबर पूछी जाए तो वो क्या बनेगी? x+i(y). और अगर पॉइंट है और अगर पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और पॉइंट पूछा जाए तो पॉइंट बनेगा x, y, ठीक है? अगर आपके पास x+i(y) कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा जो होगा वो x, y होगा, क्लियर? और x, y अगर पॉइंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? x+i(y). बात समझ आई? यस सर। दिस प्लेन इज कॉल्ड जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्जन प्लेन और गॉसियन प्लेन। ऐसा प्लेन जिस पर
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक पॉइंट हो और एक पॉइंट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर एडजस्ट करती हो, वाइस वर्सा उल्टा भी हो, ऐसे प्लेन को हम कहते हैं जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्जेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन। समझ आई बात? यस सर। एक्स वाई प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्जेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन, ये सब एक ही बात है। और इस प्लेन पर होता क्या है, एक्स वाई पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होती है एक्स प्लस आई वाई, और एक्स प्लस आई वाई के कोरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है एक्स वाई, जैसे मैंने भी बताया था। बताओ तभी आगे चलूंगा। यस सर। यस सर। हाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ ये बताया है मैंने, द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। अभी तक आप लोगों ने सर्किल की इक्वेशन एक्स वाई में पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और भी आती है फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह की इक्वेशन पढ़ी है आपने सर्किल की? नो? बताएं? ये सर पढ़ी है। पढ़ी है। अब इसी सर्किल की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जेड की फॉर्म में। अभी तक एक्स वाई में पढ़ी है, जेड की फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन बनती है मैग्नीट्यूड या मोड कह सकते हो, जेड माइनस ए इक्वल टू आर, जहां हमारा ए सेंटर है और आर हमारी क्या है, रेडियस है। क्यों? सेंटर क्या है हमारा, ए ए ए ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा? जीरो कॉमा जीरो है बेटा, जब भी पॉइंट ए कॉमा जीरो। हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? आप सीधे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर मैं कहूँ कि साहब थ्री प्लस, आप इसे ड्रॉ करो टू प्लस थ्री आई को, कर दोगे ड्रॉ? आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे पॉइंट फॉर्म में लाओगे, पॉइंट खोलोगे, क्यों कर दो? क्यों? यस सर। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे आपका सेंटर क्या है, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए, सेंटर क्या है यहाँ पे, ये ए है सेंटर, ये ए, इसे जेड इज इक्वल टू ए कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अगर इसे पॉइंट फॉर्म में बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा सेंटर, ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो। और रेडियस क्या है, आर। हाँ, देखिए हम कुछ सर्किल लेते हैं, हमें बताना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि मेरा एक सर्किल है मॉड जेड माइनस टू इज इक्वल टू वन, इसका सेंटर बताओ, रेडियस तो वन है, सेंटर बताओ। टू कॉमा जीरो। पहले पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया करो, फिर जाया करो आप। देखिए सेंटर जानने के लिए माइनस है तो प्लस में आओगे, और प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है ना, तो सेंटर क्या हो गया? हाँ, तो सब टू है। टू हो गया। टू के कोरेस्पॉन्डिंग का पॉइंट लो, टू कॉमा जीरो। अगर मैं आपसे कहूँ जेड माइनस थ्री आई, ये सर्किल है इक्वल टू फाइव, तो पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लो, सेंटर क्या है, सीधे सीधे माइनस जीरो कॉमा, सेंटर क्या है, बताओ बेटा,
समझ नहीं आया आपसे? थ्री आई, थ्री आई पूरा होगा भाई। यस सर। भाई अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। सेंटर क्या बना? थ्री आई। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब पॉइंट क्या हुआ? जीरो कॉमा थ्री। जीरो कॉमा थ्री। अगर यहां मैं कर दू जेड प्लस आई, सेंटर सर्किल ले रहा हूं, जेड प्लस आई इक्वल टू टू, रेडियस को क्लियर कर, सेंटर बताओ क्या? जीरो कॉम्प्लेक्स वन। पहले कॉम्प्लेक्स में लाया करो, फिर पॉइंट में लाया करो। पहले माइनस आई, माइनस आई बनेगा। माइनस आई, प्लस है तो माइनस आई। अब ले लो जीरो कॉमा, जीरो कॉमा माइनस वन। ये बेटा ओके सर, डायरेक्ट मत आया करो, पहले यहाँ आओ और फिर यहाँ से यहाँ पे आओ, सीख जाओ तो उसके बाद डायरेक्ट टू आओ। क्यों बेटा? यस सर। चलिए एक एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद में टॉपिक खत्म करूंगा, लेक्चर खत्म नहीं करूंगा, टॉपिक खत्म करूंगा, ठीक है? जेड प्लस टू प्लस थ्री आई मॉड इक्वल टू फाइव, रेडियस तो क्लियर कट फाइव हो गई। पहले मुझे सेंटर बताएं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा। बोलो बोलो भाई, सो माइनस टू प्लस थ्री आई। बोलो बोलो, माइनस टू प्लस थ्री आई। जब आपने माइनस टू पे लगाया तो थ्री पे नहीं आने लगेगा सर, मतलब पूरा ले लिया ना माइनस और पूरा ब्रैकेट टू प्लस थ्री आई, तो हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री आई। मतलब पूरा ब्रैकेट ही उठा लिया सर, पूरा ब्रैकेट ही उठा लिया तो माइनस हो गया। जेड प्लस ए पूरा ये हो गया ना, ए हो गया ना ये तो पूरा। यस सर। तो क्या बनेगा ये? माइनस टू माइनस थ्री आई। माइनस टू माइनस थ्री आई होगा भाई। भाई यहाँ से उठाओगे ना प्लस माइनस, इसे ही तो चेंज करोगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस चेंज हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब ये माइनस बनेगा तो ये वाला माइनस टू माइनस थ्री आई नहीं बन जाएगा? यस सर। जीरो माइनस टू प्लस थ्री आई। हैं? क्या कह रहे हो कन्हैया जी? जीरो कॉमा माइनस टू प्लस थ्री आई। हैं? बहुत बढ़िया, जीरो कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री आई है। अब जीरो क्यों आएगा भाई? तो माइनस टू थ्री होगा ना, माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। माइनस टू कॉमा माइनस थ्री होगा बेटा, क्यों कह रही है जी? सर वो जेड आपने बताया था ना अभी, वो सेंटर जीरो होगा। समझ में आ गया ये बता तुम्हें? सर अब तो आ गया बेटा, अगर फाइव अकेला होता है तो फाइव कॉमा जीरो होगा, रियल पार्ट होगा तो जीरो होगा, फाइव आई होगा तो जीरो कॉमा फाइव होगा। अब तुम्हारे पास रियल भी है इमेजिनरी भी, जीरो कहां से आ जाएगा भाई? भाई कॉमा क्या लगाते हो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट? ये माइनस टू है इमेजिनरी, माइनस थ्री तो माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा ना। बात समझ आई बेटा? ठीक है तो ठीक है, समझ गया। और एग्जांपल दूं क्या सर? ऐसे का एक और दे दीजिए बेटा। क्या कह रहे हो? सर दे दो ये करते हैं। चलो देखो, अगर मैं आपसे कहूं जेड प्लस टू अंडर रूट फाइव इक्वल टू टू, इसका सेंटर बताओ।
देखो गलती नहीं होगी जब पहले कॉम्प्लेक्स लाओगे फिर आप उसे पॉइंट में चेंज करोगे, डायरेक्ट करोगे तो गलती कर जाओगे। हेलो बताओ, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बताओ बेटा। यस सर आ रही है। सर आ रही है। बताओ बेटा, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ। भाई प्लस का माइनस कर दिया इस वाले प्लस का, सर माइनस अंडर रूट 5.2 माइनस का, कॉमा में बाद में जाया करो, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बताया करो, तभी तो गलत कर जाते हो भाई मेरे। माइनस टू को माइनस अंडर रूट 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई करिया, क्यों बेटा? यस सर। हैं जी सर, जी सर। अब बताओ इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब बोलो। माइनस टू प्लस अंडर रूट 5 प्लस कॉमा 0। कॉमा 0 भाई इमेजिनरी पार्ट है नहीं? यस सर। अगर यही आई हो जाता तब क्या बनता? अब बोलो। 0, 0 + √5 √5 - 2 + √5 बिल्कुल सही। अब आया समझ में कि नहीं? क्यों बच्चा? यस सर। प्रॉब्लम्स है कॉची इंटीग्रल थ्योरम की। पहली थ्योरम ये है कि इवेलुएट लाइन इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2yxy dz वेयर c इज द कंटूर मोड z इज इक्वल टू 1। यहां एक वर्ड आ रहा है कंटूर, पहली बार आपने सुना होगा। कंटूर का मतलब होता है चेन ऑफ आर्क्स। आर्क समझते हो? आर्क क्या सर? आर्क आर्क सर, चाप चाप। यस सर। हाँ कहते हैं चेन ऑफ आर्क तो यानी चापों की श्रृंखला। हेलो, एक चाप को दूसरे से मिला दो, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, तो एक जो चेन बनती है दैट इज द कंटूर। सर्किल भी कंटूर होता है बेटा। हेलो, अभी हमने पीछे जो जिस सर्किल की बात की है वो भी कंटूर होता है। सर्किल क्या है? चेन ऑफ द आर्क ही तो है वो। यस सर। ये सर्किल क्या है? सर्किल चापों से ही तो बनता है, चेन ऑफ आर्क नहीं है? एक आर्क को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरह से वो ये आर्क ही तो है इसके, तो सर्किल भी कंटूर हो गया आपका। अच्छा रेक्टेंगल भी कंटूर हो गया है, स्क्वायर भी कंटूर हो गया, एलिप्स भी कंटूर हो गया, ये सारे के सारे कंटूर हो गए आपके। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है और इस कंटूर के अंदर में सॉल्व करना है, तो पहले कंटूर पे ध्यान दिया करो। ये कंटूर क्या है हमारा? ये सर्किल है, सेंटर कितना है इसका? मोड जेड इज इक्वल टू 1, सेंटर कितना है? अभी बताया मोड जेड माइनस इज इक्वल टू आर 1.0। 1 कहां है बेटा इसमें? ये कितना है? ए निकालो पहले, ये कितना है? 0.0 0.0
ये जीरो है, जीरो के कोरेस्पोंडिंग पॉइंट कौन सा हुआ? जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो। रेडियस कितनी हो गई? वन। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस वन है, वो हमने ड्रॉ कर लिया। जीरो जीरो सेंटर, रेडियस वन। क्यों? तो सबसे पहले कंटूर बनाया करो आप। कंटूर बना लिया आपने? अब चलो हमें इंटीग्रेशन कौन सा सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स वाई टी जेड। माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स वाई टी जेड। इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। और एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल होता है? ऑल ऑफ यू नो, जेड के इक्वल होता है। No? Yes, sir. तो जेड स्क्वायर हो गया? Yes, sir. अच्छा, एफ जेड कितना आ गया यहाँ पे? एफ जेड, जेड स्क्वायर निकल आया। क्यों? स्टेटमेंट में यही तो था, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, यहाँ इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड। तो एफ जेड कितना हो गया? और जब एफ जेड एनालिटिक होता है तो कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए? बोलो। जीरो। यस सर, जीरो। हाँ, तो लिख देना एफ जे, सिंस एफ जे की जनरेटिक, देयर फॉर कोची रामानी, सॉरी ये था, हाँ ये आपको याद आ रहा है, सिंस एफ जे की जो कभी जेड स्क्वायर की जनरेटिक एवरीवेयर विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर पहुंच जाए की जो कभी वन, देयर फॉर वाई कोची इंटीग्रल थ्योरम दिस इक्वल टू जीरो। बताओ। यस सर। ठीक है, खत्म करें? यस सर। किसी ने ये नहीं पूछा कि एफ जेड जेड स्क्वायर एनालिटिक है कैसे? मैंने कह दिया, तुमने मान लिया? बताओ सर, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जेड की वैल्यू जो होती है यू प्लस आई वी होती है, उसे रख के हम सेटिस्फाई करा लेंगे। हाँ, सेटिस्फाई कराओ किसे भी। और वन आएगा। किसे सेटिस्फाई कराओ? सर वन 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 आके माइनस वन। तो उससे कैसे पता लगेगा एनालिटिक के लिए? सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। एक्जेक्टली, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराओ आप। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा। तो ये यहाँ से उठाओ, ये एफजेड है ना आपका, एफजेड एफ जेड में रियल तो यू हो गया, यू इक्वल टू कितना हो गया इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस वी कितना हो गया? वी आई को छोड़ के बच्चे वी हो जाएगा टू एक्स वाई। बताओ बेटा, ये रियल पार्ट तो यू हो गया और आई को छोड़ के ये वी बन गया। अब जरा निकालो डेल यू डेल एक्स कितना होगा? 2x, del u del y कितना होगा? बोलो बेटा, माइनस 2y, del v del x कितना होगा? v का x के रेस्पेक्ट में करो, कहाँ है v? ये रहा 2xy, 2y हो जाएगा, v का y के रेस्पेक्ट में करो कितना आ जाएगा? 2x निकल आएंगे, आया ना? बोलो। बताओ। यस आ जाएगा ये। देखो डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई के बराबर है कि नहीं है? ये भी 2x है, ये भी 2x है,
डेल यू डेल वाई माइनस डेल वी डेल यू डेल एक्स के बराबर है कि नहीं है, डेल यू डेल वाई माइनस टू वाई और माइनस डेल यू डेल एक्स माइनस टू वाई हो जाएगा, इसका मतलब सी आर हमारी सेटिस्फाई हो रही है, है? हेलो यस सर, सी आर सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है क्या हमारा एनालिटिक है, एनालिटिक हो रहा है, समझ आया? हेलो यस सर, अटेंडेंस के लिए रीजॉइन करूं या चाहो तो आप स्थान है सर, आप स्क्रीन शॉट ले लें सर, स्क्रीन शॉट ले लो, भेज दो भेज दो कन्हैया जी, तुम जी सर मैं भेज दूंगा आपको एक मिनट, हाँ कन्हैया भेज दो, ठीक है बेटा, ओके सर, ओके स्क्रीन शॉट ले लो भेज दो सर, मेरे कल की रह गई थी रोल नंबर 34, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा सर, कह दी थी हैं, ठीक है बेटा, भेज दिया व्हाट्सएप पे आप, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है बेटा।